So, hello everyone, this is Mohit Pirithyani and welcome to our channel Mr. Lazy Tech. And this video is all about this. This is the Noyce ColorFit NAV GPS enabled smartwatch and its price is approximately 4000 rupees. So, I'll do the unboxing of this box and let's see what all we get inside the box, give you the basic overview. And I'm seeing its quality or features kitne acche provide kiye gaye hain and whether this smartwatch is best at this price range or not. So hope you like this one, and if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So let's get started. So this is the box of the Noyce ColorFit NAV smartwatch GPS enabled. You will be getting once the product is reached to you. Chota sa box diya gaya yahan pe, and behind the box here you can see बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए गए हैं बॉक्स पर ही. सो नाउ लेट अस जस्ट क्विकली अनबॉक्स दिस थिंग एंड लेट्स सी व्हाट ऑल वी गेट इनसाइड दिस स्मॉल बॉक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी गेटिंग अ 1 ईयर ऑफ ब्रांड वारंटी विद दिस प्रोडक्ट. यू कैन रजिस्टर विद दिस कार्ड गिवन ओवर हियर. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वन यू विल बी गेटिंग अ यूजर मैनुअल. अच्छी खासी कलरफुल यूजर मैनुअल दी गई है, इससे आप स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स देख सकते हैं अपनी स्मार्ट वॉच के. एंड नेक्स्ट थिंग इज द चार्जिंग डॉक, USB 2 मैग्नेटिक चार्जिंग डॉक. इसको आप स्मार्ट वॉच के पीछे लगा के चार्ज कर सकते हैं. And now coming to the main product itself, this is the Noyce ColorFit NAV smartwatch you will be getting. इसको हम निकालते हैं इस box से. So first of all, you will be getting a strap. यहाँ पे अच्छा खासा silicon material का strap provide किया गया है, अच्छी खासी quality का strap provide किया गया है. ऐसे कोई issue नहीं है strap को लेके. And apart from this one, यहाँ पे आपको dialer मिल जाएगा smartwatch का. And back side में यहाँ पे आपको magnetic charging port मिल जाएगा, docks मिल जाएंगे, इससे आप charge कर सकते हैं. And the heart rate monitoring sensor and all behind the watch you will be getting. स्टिकर को मैं फटाफट निकाल लेता हूँ. एंड यहाँ पे आपको 1.4 इंचेस की LCD स्क्रीन मिल जाएगी, अच्छी खासी बड़ी स्क्रीन दी गई है कंपैरेटिवली. एंड सिंपली आप इसके स्ट्रैप्स को लॉक कर सकते हैं, ऐसे कोई इश्यू नहीं आता. एंड ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी खासी लुक एंड फील दे रही है स्मार्ट वॉच कंसिंग द प्राइस रेंज. एंड अगर हम इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको नेविगेशन बटन्स मिल जाएंगे 2. एंड अगर बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपकी वॉच स्टार्ट हो जाएगी. एंड नॉइस की ब्रांडिंग आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी. एंड ये बोल रहा है कि आपको नॉइस फिट एक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी टू एक्टिवेट दिस वॉच. एंड यहाँ पर मैंने नॉइस फिट एक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है अपने फ़ोन पर. एंड सिंपली थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन है, इसको आप अलाउ करते जाइए, देन यू कैन एक्सेस द एप्लीकेशन. एंड यहाँ पर ये लॉगिन करने के लिए मांग रहा है, तो आप अपनी डिटेल्स देके लॉगिन कर सकते हैं. एंड 2 ऑप्शन दिखा रहा है. सो नॉइस फिट नैप पे मैंने क्लिक करके इसको आप QR कोड को जो आपके वॉच में दिया गया है इससे आप स्कैन करके वॉच को एक्टिवेट कर सकते हैं. सिंपली ये एप्लीकेशन एक्टिवेट हो गया है, वॉच भी एक्टिवेट हो गई है. यहाँ पे आप डायरेक्टली जितनी भी ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ हैं आप इस एप्लीकेशन के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वन यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस दिए गए हैं. एंड अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप वॉच फेसेस डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं. इनबिल्ट कुछ वॉच फेसेस यहाँ पे दिए गए हैं अच्छे खासे, सो आप कोई सा भी पिक करके अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वन अगर आप यहाँ पे प्लस ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आप कोई भी वॉलपेपर या फोटो आपके जो फोन में सेव्ड है इसको भी आप वॉच फेस बना सकते हैं. और बहुत ही ईजी एक्सेसिबल है, कोई दिक्कत नहीं आती इसको एक्सेस करने में. सो अच्छा खासा फीचर दिया गया है इस एप्लीकेशन के थ्रू ही. एंड अगर हम यहाँ सेटिंग्स पार्ट में जाएंगे सो यहाँ पे आप बहुत सारी सेटिंग्स इसकी इनेबल कर सकते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, हैंड वॉश रिमाइंडर भी दिया गया है यहाँ पे आपको. सो बहुत सारे नए नए फीचर्स दिए गए इस एप्लीकेशन में. यू कैन एक्सेस ऑल द फीचर्स विद दिस एप्लीकेशन इटसेल्फ. काफ़ी यूजफुल एप्लीकेशन है. एंड यहाँ पे हमारी वॉच स्टार्ट हो चुकी है. दिस इज द डिस्प्ले. अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली वॉच फेस चेंज कर सकते हैं स्वाइप करके. एंड अच्छा खासा टच स्क्रीन दिया गया है यहाँ पे, टच को लेके कोई इशू नहीं है. एंड अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन मेरे को आ गया है मिस्टर लेजी टेक का, किसी ने कमेंट किया है प्रियंका नाम से. सो यहाँ से आप नोटिफिकेशन भी एक्सेस कर सकते हैं. एंड अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप सेटिंग्स, बैटरी परसेंटेज, ब्राइटनेस, बहुत सारी चीज़ें हैं. ब्राइटनेस यहाँ पे 3 लेवल तक दी गई हैं, इसको आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं. सो और भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, आप डायरेक्टली स्मार्ट वॉच के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं. एंड अगर हम यहाँ पे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़, अलार्म्स, ब्रीथ, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर एंड म्यूजिक कंट्रोल, रिमाइंडर सेटिंग्स एंड ऑल, स्लीप म्यूजिक से भी आप फोन का म्यूजिक भी कंट्रोल कर सकते हैं स्मार्ट वॉच के थ्रू ही. एंड अगर आप यहाँ पे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉप वॉच, टाइमर, वेदर, वर्कआउट्स, वर्कआउट्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 10 डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं. वॉकिंग, रनिंग, आउटडोर साइकिलिंग, इंडोर साइकिलिंग, इंडोर वॉकिंग, इंडोर रनिंग, योगा एंड ऑल, बहुत सारे यहाँ पे 10 अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ दी गई हैं. तो अपने हिसाब से आप
जो भी आपको एक्टिविटी प्रेफरेबल लगे उसको आप सिलेक्ट करके ट्रैक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं अभी डायरेक्ट सनलाइट पर हूँ और थोड़ी बहुत मुझे ब्राइटनेस की कमी लग रही है, मतलब इतनी ब्राइटनेस मुझे नहीं लग रही डायरेक्ट सनलाइट में, थोड़ी बहुत ब्राइटनेस और देते तो बेटर रहता, बट एज सच अच्छे से एक्सेसिबल है ये सनलाइट में भी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अगर हम यहाँ पे फिर से स्वाइप करेंगे और यहाँ पे हम सेटिंग्स पार्ट पे जाएंगे, तो यहाँ से आप एक्सेसिबिलिटी में जाके अपना जो फॉन्ट साइज़ है आपका स्मार्ट वॉच का अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट साइज़ इसको आप प्लस माइनस कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल रहे। यहाँ पे आप GPS ट्रैकिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं ताकि आपको एक्यूरेट ट्रैकिंग मिल जाए। ब्राइटनेस, डिवाइस इन्फो एंड ओरिएंटेशन में आप जाके इसको अपसाइड डाउन भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हैं, उल्टा फुल्टा हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं एंड वेक एंड रेस का ऑप्शन दिया गया है, लिफ्ट टू वेक। इसे एग्जैक्टली आप ऑन करके स्मार्ट वॉच को नीचे रखेंगे तो ऑफ हो जाएगा, वापस आप देखेंगे घड़ी की तरह तो ऑन हो जाएगा डिस्प्ले, और काफ़ी इजिली एक्सेसिबल है, अच्छे से ये वर्क करता है, ऐसे कोई इश्यू नहीं आती, काफ़ी फास्ट वर्क करता है इसका लिफ्ट एंड वेक फंक्शन। एंड नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिकेशंस, यू विल बी गेटिंग 1.4 इंचेस ऑफ फुल टच LCD स्क्रीन विद इट विद ब्लूटूथ वर्जन 5.0 एंड इसमें आपको IPX68 का रेन रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ रेजिस्टेंट आप बोल सकते हैं, विद GPS बेस्ड ट्रैकिंग एंड यू विल बी गेटिंग 4 days ऑफ बैटरी लाइफ ऑन अ सिंगल चार्ज। सो एज वी कैन सी हियर 4,000 rupees के हिसाब से उन्होंने काफी अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, बिल्कुल जस्टिफाई करता है प्राइस रेंज को इसके स्पेसिफिकेशन। बिल्कुल आपको एक्यूरेट ट्रैकिंग मिल जाएगी, इसका लुक एंड फील काफी अच्छा खासा दिया गया है, मेरे को लुक एंड फील को लेकर कोई दिक्कत नहीं लगी, अच्छी खासी प्रीमियम वॉच लगती है। बिल्कुल आप सामने वाला देख के आपको बोल पाएगा कि हाँ भाई आपने अच्छी खासी प्रीमियम वॉच पहनी है, ऐसी कोई हल्की फुल्की या चीप वॉच नहीं पहनी है। बट इसका थोड़ा सा मुझे जो हल्का फुल्का ड्रॉबैक लगा वो मुझे लगा इसकी ब्राइटनेस को लेके। अगर आप कहीं पे भी घर में हैं या बाहर हैं तो ब्राइटनेस तो अच्छी खासी दी गई है, बट अगर आप डायरेक्टली अगर सनलाइट अच्छी खासी है तो मेरे को थोड़ा बहुत ऐसी दिक्कत हुई, मैं ऐसे ऐसे करके देख रहा था तो मेरे को थोड़ी बहुत ब्राइटनेस का थोड़ा बहुत इशू लगा। अगर 1% और दे देते ना, मीन्स +1 और दे देते ब्राइटनेस, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ब्राइटनेस देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बट ओवरऑल ठीक है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल धूप में खड़े हैं तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, नॉर्मल धूप में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है सच। एंड अगर हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन की, जैसे कि मैंने आपको बताया नॉइस फिट एक्स का एप्लीकेशन आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए, वॉच को कनेक्ट कर लीजिए, सारे के सारे नोटिफिकेशन आप इससे एक्सेस कर सकते हैं, वाइब्रेशन होता है इसमें, नोटिफिकेशन आएगा भूम भूम करती रहेगी आपको, अच्छे खासे इसमें स्पेक्स दिए गए हैं। आप एप्लीकेशन के थ्रू भी इसके वॉच फेसेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना वॉलपेपर भी, कोई आपका फोटो है तो उसको भी आप वॉच में लगा सकते हैं, अच्छी खासी एप्लीकेशन है, उससे यूज करके आप सारी ट्रैकिंग एक्टिविटीज भी ट्रैक कर सकते हैं और बहुत सारे स्पेक्स दिए गए हैं और इजिली एक्सेसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ओवरऑल अगर आप फिटनेस फ्रीक है और आपको एक्यूरेट ट्रैकिंग चाहिए विद अ गुड लुक एंड फील विद गुड स्पेसिफिकेशंस, अच्छा खासा इसमें मॉनिटरिंग लेवल दिया गया है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको बताया 1% थोड़ी बैटरी, सॉरी जो थोड़ी बहुत जो ब्राइटनेस है वो एक्स्ट्रा देते तो परफेक्ट रहता, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ गुड ऑप्शन टू गो एट दिस प्राइस रेंज, देयर इज नो इश्यू रिगार्डिंग दैट। आई एम ऑल्सो लिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पार्ट बिलो, यू कैन क्लिक फ्रॉम देयर एंड चेक इट फ्रॉम देयर एज वेल। एंड आपको कोई भी दिक्कत हो इस स्मार्ट वॉच के थ्रू यू कैन लीव मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। So this was all about the unboxing and reviews of the Noice ColorFit NAV GPS enabled smartwatch. Hope you like this one, and as I told you, if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.